अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं जी। तो जी अभी हम आ गए हैं डॉक्टर साहब के क्लिनिक पे और अभी चेक करवाना है जी हयाम फातिमा को। ये पहले ही रोना शुरू कर दिया है। हयाम को पता चल गया कि मैं डॉक्टर पे आई हुई हूँ, लेकिन हयाम की तबीयत अभी ठीक नहीं। जाना है डॉक्टर पे? चले, कहती है मैंने डॉक्टर पे नहीं जाना। अभी हम क्लिनिक पे आ गए हैं, हयाम को डॉक्टर पे दिखाते हैं और फिर आपसे डिटेल शेयर करते हैं। अभी जी हम डॉक्टर साहब को दिखा के वापस आ गए हैं। हयाम के ये वाली मेडिसिन उन्होंने बंद कर दी है और यहाँ जो है ना मोशंस के लिए ना उन्होंने ये मेडिसिन लिख के दे दी है। हाँ जी, बता रही है कि मुझे यहाँ से उन्होंने चेक किया ना स्टेथोस्कोप से। हाँ जी, कहाँ चेक किया है? कहाँ से कैसे चेक किया डॉक्टर साहब ने आपको? हाँ जी, कहती बाबा ने कराया, बाबा ने पकड़ लिया। कहाँ से चेक किया डॉक्टर साहब ने आपको? आपका पेट चेक किया कि पेट में क्या मचला हो रहा है इसको? तो जी चलिए, अभी एक मेडिसिन खत्म हो गई है, ये नई मैंने ले ली है यहीं से स्टोर से। तो अभी ये जो है ना चार दिन कोलिकैम, हाँ जी ये दिए ओरल ड्रॉप्स और कह रहे हैं कि इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। हयाम चार दिन ये भी देने हैं, अभी ऑलमोस्ट 3-4 दिन मेडिसिन चलेगी लेकिन ठीक हो जाएगी। अभी सब सजेस्ट कर रहे थे खिचड़ी दें, बनाना दें, तो अभी ना हम लोग कोशिश पूरी करें से बनाना दे के देखें। खिचड़ी आज बना के दी थी, काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं लेकिन अभी ना कुछ खा पी नहीं रही है, लेकिन उम्मीद है एक आधे दिन में खाने पीने लग जाएगी। बस पानी, क्योंकि ORS नहीं पी रही, तो उन्होंने कहा कि सादा पानी, कह रहे थे कि अब सादा पानी इसे पिला ले ज्यादा। तो अब चलते हैं जी, और हयाम फातिमा आओ डॉक्टर पे चले। चलो डॉक्टर पे चले, चलो बाबा आप ले जाओ, आप मैं आ जाओ उधर। अब ले डॉक्टर, डर गई, डर गई, नहीं कहती नो नो। चलो नहीं, हमने जाना, चले फिर सॉरी कर, सॉरी कर दे, सॉरी कर दे। अच्छा चलो सॉरी कर लो फिर, सॉरी कर, सॉरी करे फिर नहीं, नहीं नाराज हो जाओ फिर, नहीं नहीं कहती। चलो चले ना, डराए दवाई वही चीजें ले ली आप। तो चलते हैं जी, व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, हयाम को घर जाके मेडिसिन भी देते हैं, अल्लाह खैर करे इंशाल्लाह। यहाँ एक दो दिन में ठीक हो जाए। रस्ते में पानी बहुत खड़ा है, सारे रस्ते सारे रोड्स ही खराब हुए पड़े हैं। मैं 3 दफा स्लिप होते होते रही, बड़ा बच्चे हो आप, गिरते बहुत बच्ची हूँ आज, गिरते गिरते सारे। देखो ना वहां से सारी खुदाई कर दी, यहाँ इस तरफ बारिश का पानी है, उस तरफ खुदाई है, बंदा जाए किधर? दूसरी साइड पे खुदाई, हाँ जी वहाँ खुदाई हुई है। मेरा ख्याल पता नहीं अब इधर से फ्रिज के पाइप कहाँ से डालने, इतनी थोड़ी जगह पे पता नहीं, कुछ तो करेंगे। जिस हिसाब से, एक बात जरूर है, बच्चों के क्लिनिक्स है लेकिन बिल्कुल सफाई नहीं है बिल्कुल। हालांकि बच्चों की जितने क्लिनिक्स होना उसकी पूरी केयर करनी चाहिए हाइजीन की, लेकिन वैसे मैंने ये देखा है यहाँ डॉक्टर्स इस चीज़ की भी केयर नहीं करते। क्लिनिक इतना सफाई का कोई ख्याल नहीं, डॉक्टर हालांकि इतने अच्छे हैं, इतने नाइस है ना, पोलाइट से हैं, लेकिन क्लिनिक पहले मेरा दिल कर रहा था आज कह ही जाऊँ। बार्सिलोना आते होते हैं ये ना उधर हमारे पास कशान के पास, तो वो हमें जानते भी हैं, तो वो मेरा दिल कर रहा था आज कह जाऊँ थोड़ी क्लिनिक की सफाई डॉक्टर साहब करवा लें, पर लेकिन अब क्या कहें यहाँ का सिस्टम ही ऐसा। चलते हैं बारल जी, व्लॉग कंटिन्यू करते चले हैं। फातिमा चले, चूचू किधर है? चूचू किधर है? चूचू कहाँ है? चूचू तो कहो, ऐ नहीं चूचू, चूचू चल ना से, चलो बांध के दे इकट्ठा। मैंने कहा यहाँ को बैलून तो ले देना शौक से, आओ कितने पैसे हो भाई? 250 रुपये दफर गए भाई। मानो खैरो आपके सर से धागा खैरो, ये पीछे रखते हैं, घर जाके लेना है, घर जाके ले लेना। कहाँ है आपका वॉलेट सर? बस इतना ही बहुत है बेटू जी, अब कह रही है और। अस्सलाम वालेकुम हयाम फातिमा, क्या हाल है आपका? तबीयत ठीक हुई है आपकी? सब पूछ रहे थे कि हयाम का क्या हाल है। हाँ बैलून आपके दिखाऊं? हयाम माशाल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर है, जो रात से मेडिसिन चेंज हुई है ना उससे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स अभी हैं, लेकिन जैसे पहले कंटिन्यूसली वॉमिटिंग मोशंस थे वो काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं। उम्मीद है इंशाल्लाह एक आधे दिन में मज़ीद जो है ना वो रिकवरी हो जाएगी। अभी अस्मा और हयाम यहाँ बैठ के खेल रही हैं, और ये वाले दोनों बैलून्स थे जो हयाम को रात लेके दिए, वो अब हमने ना मुड़े से इसको बांध दिए, इनसे खेलती है हवा से नीचे जा रहे हैं। अच्छा काफ़ी लोग पूछते हैं कि एसी के नीचे ये क्या लगा हुआ है, तो ये हीटर है,
ये जो है ना स्पेन से लेके आई थी अम्मी, और इसकी फिर जगह यहीं बनी है। सर्दियों में ना फिर हम लोग ना ये वाला जो है ना हीटर चला लेते हैं और लाउंज हमारा माशाल्लाह पूरा फुल गर्म हो जाता है। ठीक है, अभी आज क्योंकि घर में जो है वो अनपैकिंग भी करनी है, जैसे ही आए थे हयाम की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, तो यहाँ से जो है ना अभी दीवान उठा दिए, यहाँ पे हयाम के कुछ झूले वगैरह रखेंगे और घर सारा माशाल्लाह सेट हो गया, सफाई वगैरह हो गई है। तो अभी जो है ना किचन भी हो गया, अभी जो है ना अनपैकिंग करते हैं सामान, क्योंकि एक जैसे हमारे बैग से ना एक एक साइड धोने वाले कपड़ों की थी, कुछ नई चीज़ें थी, कुछ जो थी ना वो जो हमारे कपड़े पहने ही नहीं गए, हम जल्दी आ गए तो अनपैकिंग करेंगे। और मैंने सोचा सब हयाम का पूछ रहे थे, हयाम की आपको अपडेट दे दूँ। अच्छा जी, मैंने सोचा चले अनपैकिंग तो हो ही जाएगी, आपको अपनी थोड़ी सी शॉपिंग दिखा दें जो हमने की थी। एक मैंने ये लिया था लॉन का डिजिटल प्रिंट में दुपट्टा, ये देखिए इस तरह से, इसमें सारे कलर्स हैं, यानी कि अगर कोई भी आप टू पीस लेते हैं ना तो उसके साथ ये जो है ना सारे सूटों के साथ ये चल सकता है। एक मैंने ये ले लिया था, और उसके बाद ना एक मैंने लॉन का ना ये वाइट दुपट्टा लिया है, इसमें जो है ना सारे मल्टी कलर्स हैं, ये भी सबके साथ चल सकता है। दो ये ले लिए थे, उसके बाद जो है ना ये वाले जो है ना मैंने हयाम और सकीना दोनों के एक जैसे सूट लिए थे। हाँ ये बहुत प्यारा है, ले गई ये दोनों के एक जैसे सूट्स हैं, और उसके बाद इनके साथ ट्राउजर्स हैं ये वाले, ये देखें इस तरह से ट्राउजर्स बने हुए हैं। उसके बाद जो है ना ये वाला जो सूट है ना ये हम लोगों ने लिया है अस्मा का। हाँ सारे कैमरे पे ला के दिखा रही है, आज हमारा अस्मा का सूट भी दिखाए। ये जी ये वाला सूट हम लोगों ने लिया था अस्मा का, और ये भी बड़ा प्यारा है, ये फंक्शनल भी पहना जा सकता है। हाँ ये अस्मा का, और अस्मा के सूट के साथ जो है ना ये वाली शलवार बनी हुई है, और साथ अस्मा का जो है ना दुपट्टा भी है। और मानो इधर आ जाओ और अस्मा के सूट के साथ ना ये दुपट्टा भी है, बॉर्डर पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। और उसके अलावा शॉपिंग इस दफा कर ही नहीं सके, और इसके अलावा ना ये मैंने हयाम का एक बड़ा प्यारा सूट लिया था, ये अब दिल का रहा अस्मा और हयाम को एक दिन पहना ही है, और एक ये हयाम का लिया था ऑरेंज कलर का। ये सारी शॉपिंग आपको खुद दिखाएगी। बस ये हम लोगों ने सिर्फ ये शॉपिंग की थी, मैंने बस दो दुपट्टे लिए और बस बच्चों के कपड़े लिए हैं, और उसके अलावा शॉपिंग कोई भी नहीं कर सके। एक तो माशाल्लाह ट्रिप जल्दी ख़त्म हो गए, अभी सबसे पहले हम ये चीज़ें समेट लें, क्योंकि हयाम ने आपको दिखाते रहना है या कैमरे के आगे ये आ गए फिर दिखाने। चलिए जी हम अपनी सारी चीज़ें संभालते हैं, शॉपिंग यही थी बस, हमने थोड़ी सी इस दफ़ा की, ज़्यादा चीज़ें बिल्कुल नहीं ली, तो अभी ये सब कुछ संभालते हैं और फिर आपसे दोबारा मिलते हैं। अभी जो है ना हमारा खाना भी हो गया रेडी, ज़फ़र आ गए हैं ऑफिस से, तो आज जो है ना मैंने चिकन को मैरिनेट करके रखा था टिक्का मसाला और दही में, तो मैंने बनाए हैं चिकन टिक्का राइस, और बोनलेस चिकन था स्ट्रिप्स और ना क्यूब्स में, तो राइस बन गए हैं जी, शामी साथ फ्राई कर लिए जो मैंने बना के रखे थे, रायता बना लिया। अभी हमारा खाना रेडी हो गया, ज़फ़र आ गए हैं, अभी बना फेरेंगे। और बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे थे कि टूर के एक्सपेंस से रिलेटेड, होटल्स रेंट के रिलेटेड जितना आपका खर्चा हुआ वो बताएं। इस दफ़ा एक्सपेंस का हमें इसलिए नहीं पता क्योंकि सबकी गाड़ियाँ थी अपनी अपनी थी, किसका कितना पेट्रोल लगा है वो भी हमें नहीं आइडिया आया, कैसे रेंट दिया क्या किया वो भी नहीं पता। होटल की जो रेंज थी ना वो 3,000 से 5,000 के दरमियान थी। आपने देखा हमारे कमरे सारे ही बड़े अच्छे थे, लेकिन ये ज़रूर है नॉर्दर्न एरियाज में जितना गुड़ डालें उतना मीठ है। बहुत ज़्यादा हाई रेंज पर भी कमरे हैं, और बहुत ज़्यादा समझे कि 2,000 की रेंज से भी स्टार्ट हो रही हैं। तो हमने जो वहाँ ऑब्जर्व किया, जो चीज़ें देखी, 2,000 से लेके ना 15,000 से 20,000 तक रूम्स मिल सकते हैं जहाँ भी आपने लेना हो, वो रिजॉर्ट का होटल्स का अपना सिस्टम होता है। लेकिन जो नॉर्मल रेंज है ना वो 3,000 से 5,000 है। बाकी पेट्रोल का हमें कोई आइडिया नहीं किसका कितना लगा, क्योंकि किसी की 1,300 cc गाड़ी थी, किसी की 1,000 cc थी, किसी की 1,800 cc थी, उस हिसाब से पेट्रोल लगा इस तक। और खाना पीना सबका अलग अलग था इस दफा के, सब अपनी अपनी फैमिलीज के साथ। लास्ट टाइम ये था कि हम सब ने जो है ना इकट्ठे राबिया अपनी को पैसे दिए हुए थे, तो वो हमें इसलिए आइडिया हो गया था कि इतने इतने पैसे लगे और हमारे हिस्से में इतने आए हैं, गाड़ी सेम थी। इस दफ़ा हमें एक्सपेंस का कोई आइडिया नहीं है किस फैमिली के कितने पैसे लगे हैं, क्योंकि खाना पीना भी सबका अलग अलग था। किसी का 1,000 रुपये का खाना आ जाता था, किसी का 800 का आ जाता था, किसी का 600 का आ जाता था। तो ब्रेकफास्ट भी इसी तरह था, कोई हैवी ब्रेकफास्ट करते थे, कोई बेकरी से लेके जूस और बिस्किट्स का कर लेते थे,
तो इस दफा ना हर फैमिली को अपना अपना एक्सपेंस खुद ही पता है कि किस फैमिली के कितने पैसे लगे हैं, फिर बच्चों के साथ सबका था, इसलिए इस दफा मैं आपको कोई एक्यूरेट जो है एक्सपेंस नहीं बता सकती। आपकी गाड़ी पे पेट्रोल पे डिपेंड करता है कि कितनी गाड़ी की माइलेज है, फिर होटल्स की रेंज बता दी है कि 3,000 से 5,000 के दरमियान है, बाकी खाना पीना हम सबका अपने अपने तरीका कार का था, वो भी सबके अपने अपने पैसे लगे हैं, तो इसीलिए इस दफा नो आइडिया ऑफ एनी एक्सपेंसेस, हर फैमिली का अपना एक एक्सपेंस है। और बाकी ये है कि जब आप खुद जाएंगे और अभी जो है जो हम लोग नो मानो आप अपनी प्लेट में खाओ, अभी जो हम ऑब्जर्व करके आए हैं वो ये है कि अभी वहाँ के रोड्स बहुत ख़राब हैं और मानसून का सीज़न है, तो अभी कोशिश करें कि नॉर्दर्न एरियाज़ में मानसून के सीज़न के बाद जाएं, क्योंकि दरिया में पानी बहुत ही ज़्यादा था, अगर बारिशें होंगी तो वो फ्लो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। रोड्स भी अभी फ़िलहाल इतने अच्छे कंस्ट्रक्ट नहीं हुए हुए, तो इतना लास्ट ईयर का या अब का करें तो नॉर्मल सा एक्सपीरियंस रहा है हमारा। और बाकी आपके सामने हयाम की तबीयत ख़राब होने से हम लोग जो है ना वो मेंटली ज़्यादा अपसेट होके वापस आए हैं। कल से लास्ट में एक इंसिडेंट भी हो गया लैंडस्लाइडिंग की वजह से, बाबूसर टॉप का रास्ता भी बंद हो गया, तो अगर हयाम की तबीयत ख़राब नहीं होती तो कल हम भी बाबूसर टॉप ही होते, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जो होता है हमेशा बेहतर होता है, तो इसलिए इस दफ़ा एक्सपेंस की माजरत, क्योंकि हमें कोई आइडिया नहीं है। जब हम नेक्स्ट ईयर जाएंगे फिर आपके लिए प्रॉपर एक एक्सपेंस की सब चीज़ों के वीडियो बना लेंगे और प्रॉपर हर चीज़ को नोट करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, आई होप आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे मिलेंगे हम कल इंशाल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कर दो, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।